दोस्तों, जब भी चोरी की बात होती है तो हमारे दिमाग में मूवीज दिखाए जाने वाले बेहद शातिर चोरों की तस्वीर ही दिखाई देती है, जो कि एक चोरी को कई महीनों की प्लानिंग करने के बाद अंजाम देते हैं। लेकिन असल में इस दुनिया में कुछ ऐसे मूर्ख चोर भी मौजूद हैं जो कि चोरी करने को बच्चों का खेल समझते हैं और बगैर कोई तैयारी के चोरी करने निकल पड़ते हैं और बुरी तरह से फेल भी हो जाते हैं। टॉप लिस्ट के आज के इस मजेदार वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे कैमरे में कैद चोरों की बिरादरी का नाम खराब करने वाले कुछ मूर्ख चोरों से, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। घर बैठे बैठे बोर होकर जैसे हम खुद से कहते हैं कि चलो थोड़ा टहल कर आते हैं, वैसे ही वीडियो में दिख रहा मूर्ख चोर शायद खुद से यही कहकर घर से निकला होगा कि चलो आज एटीएम मशीन लूट कर आते हैं। सबसे पहले तो इस अकल के मारे ने चोरी करने के लिए जिस ट्रक का इस्तेमाल किया उस पर वो जहां काम करता था उस कंपनी का नाम छुपा हुआ था। फिर इसने अपने चेहरे को ढके बिना ही कैमरे में देखा। उसके बाद ये दरवाजा तोड़कर शॉप के अंदर गया और एटीएम मशीन को रस्सी से बांध लिया। चलो यहां तक तो ठीक था, लेकिन इस मूर्ख ने एटीएम से बंधी रस्सी के सिरे को ट्रक से बंधी रस्सी से भी ठीक से नहीं बांधा था। फिर वो आगे जाकर वापस आया और रस्सी को ट्रक से बांधने की कोशिश की, लेकिन ट्रक को दूर खड़ा रखने की वजह से उनकी रस्सी छोटी पड़ गई। इसे कहते हैं अखंड मूर्खता। चोरी तो हुई नहीं, बल्कि उसके नाम की पुलिस कंप्लेंट जरूर हो गई। आइए अब मिलवाते हैं एक और नमूने चोर से। इस क्लिप में आप देख पाएंगे कि एक चोर बाइक पर आता है और अपनी बाइक साइड में खड़ी करके इस मोहतरमा को डराकर इसका बैग छीनकर वहां से भाग जाता है। एक पल के लिए तो इसे लगा होगा कि ये चोरी करने में सफल हो गया, लेकिन सीन कुछ उल्टा हो जाता है। जी हाँ, ये मोहतरमा इस चोर की बाइक लेकर ही वहां से रफूचक्कर हो जाती हैं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि स्त्री कुछ भी कर सकती है, लेकिन शायद इस सरफिरे चोर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसीलिए तो इस मोहतरमा के हाथ से मोबाइल छीनकर जाने की नाकामयाब कोशिश कर बैठता है और दूसरे ही पल ये लड़की इस नमूने चोर को इतना पीटती है कि ये जमीन पर गिर जाता है और ये लड़की अपना मोबाइल फोन लेकर वहां से चली जाती है। जब हमें चूहे बहुत हैरान करते हैं तो हम चूहेदानी का सेटअप करके चूहों को पकड़ना शुरू करते हैं। चोरों से हैरान होकर इस शॉप के मालिक ने भी वही कदम उठाया। आप वीडियो में देख पाएंगे कि दुकान से चोरी करने के बाद जैसे ही इस चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन ओनर ने पहले से कॉरिडोर में दिए गए दोनों दरवाजों को लॉक कर रखा था, और जैसे ही ये चोर कॉरिडोर में आया तो तीसरा दरवाजा भी ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। चूहे जैसे चूहेदानी में फड़फड़ाकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इस चोर ने दरवाजों को तोड़कर बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने इतने मजबूत दरवाजे लगा रखे थे कि वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। आखिरकार उसने हार मान ली और फिर पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए। अगली क्लिप में आप देखेंगे कि शॉपिंग मॉल से चोरी करके भागते हुए इन मूर्ख चोरों की जोड़ी को दो आदमियों ने मॉल के गेट पर ही पकड़ लिया। लोगों से बच बचाकर इस आदमी ने उस शॉपिंग मॉल के पीछे बने स्टोर रूम में से भागने की कोशिश की, लेकिन इनकी बदकिस्मती ये थी कि दरवाजा लॉक्ड था। दूसरे ही पल पुलिस ऑफिसर की एंट्री हुई, जिसने इस चोर पर बंदूक तान दी। इसके साथ आई लेडी चोर ने पुलिस वाले से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी तो वो हड़बड़ाकर स्टोर रूम में भाग गई और शॉपिंग मॉल के ऊपर बनी सीलिंग में छुपने की कोशिश करने लगी। एक पल के लिए वो सीलिंग के अंदर चली गई, लेकिन लकड़ी के पतले लेयर से बनी ये सीलिंग इस मोहतरमा का वजन ना उठा सकी और ये सीधा सीलिंग के साथ नीचे आ गिरी। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शायद इसीलिए ही महान चोर कहे गए हैं कि प्लानिंग के बिना चोरी करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में दिखाए गए मूर्ख चोरों में से आपको किस चोर की मूर्खता देखकर बहुत हंसी आई, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को देखकर एक पल के लिए भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल टॉप लिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।